गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 हिंदी पद्य खंड मेघ आए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित कविता, जिसका हमने अनुवाद किया था। आज हम इस पद के प्रश्नोत्तर कर चुके थे और आगे के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। अब आपके सामने अगला प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर सात। कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक कलंकार के उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर आपकी स्क्रीन पे सामने हैं, आप लोग इसमें से देख कर लिखेंगे। कविता में मानवीकरण अलंकार के उदाहरण इस प्रकार हैं। पॉइंट में लिखना है, पहला पॉइंट, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। दूसरा पॉइंट, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। तीसरा पॉइंट, पेड़ झुक झाका लगे गर्दन उचकाए। चौथा पॉइंट, धूल भागी घाघरा उठाए। पांचवा पॉइंट, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। छठा पॉइंट, बोली अकुलाई लता। सातवां पॉइंट, हर्षाया ताल। इनमें क्रमशः पहला पॉइंट है दामाद के रूप में है, दूसरा बयार के का स्त्री रूप में है, ग्रामीण पुरुषों के रूप में, नवयुवती के रूप में, बुजुर्ग के रूप में, पत्नी के रूप में, साले के रूप में मानवीकरण हुआ है। रूपक अलंकार का उदाहरण, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी में रूपक अलंकार है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है वे इस प्रकार हैं। इसको भी पॉइंट पर लिखना है। पहला पॉइंट है, गांव में दामाद का सभी लोग स्वागत एवं सत्कार करते हैं। दूसरा, नवयुवती अनजान पुरुष के आने पर भाग कर चली जाती है। तीसरा पॉइंट, ग्रामीण स्त्रियां पर्दा करती हैं। चौथा पॉइंट, दामाद का घर के बुजुर्ग झुककर स्वागत करते हैं तथा साले आदि उनके पैर धोते हैं। पाँचवा पॉइंट, गाँव में पति पत्नी आपस में सभी के सामने बातचीत नहीं करते, एकांत में ही उनका मिलन होता है। प्रश्न नंबर 9, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान यानी दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। उत्तर, कविता में मेघों के आगमन और गांव में मेहमान के आने को समान रूप में प्रस्तुत किया गया है। जब गाँव में किसानों को आकाश में मेघ आते दिखाई देते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। हवा के चलने के कारण पेड़ झुक से जाते हैं। नदियाँ और तालाबों में पानी भरने के कारण उथल पुथल होने लगती है। प्रकृति के अन्य तत्वों में भी हलचल सी होने लगती है। सभी सचेतन होते हैं। जैसा मेघों के आने पर होता है वैसे ही हलचल गांव में मेहमान यानी दामाद के आने पर होने लगती है। उनके आने से सभी प्रसन्न होते हैं, सब उनका स्वागत सत्कार करते हैं। नवयुवतियां उनको देखते ही छिप जाती हैं। बुजुर्ग उन्हें झुककर आदर देते हैं। स्त्रियां ओट से उन्हें देखती हैं। साले आदि उनके पैर धोते हैं। गांव में रह रही पत्नी भी उन्हें देखने को उत्सुक होती है, किंतु वह सभी के सामने न आकर ओट से उन्हें देखती है। मिलने पर प्रसन्न होती है। सारे गांव में खुशी का वातावरण हो जाता है। पत्नी का पति से एकांत में अट्टालिका पर मिलन होता है। प्रश्न नंबर 10, काव्य सौंदर्य लिखिए। अब जो पंक्ति दी है इसका आपको काव्य सुंदर करना है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। उत्तर, नगर से आने वाले मेहमान के आगमन पर जो हर्ष का वातावरण बन जाता है वह यहाँ अंकित है। पाहुन के रूप में प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। सरल सुबोध भाषा में भाव व्यक्त करने की पूरी क्षमता है। अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है। बच्चों, इसके आगे के भाषा अध्ययन के प्रश्न और परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर अब हम कल करेंगे।